प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र प्रायोजित सहित अन्य योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त राशि की मांग केंद्र से की गई है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को औचित्य प्रदान करती है। समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी शेखपुरा के लोजपा कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करने के लिए कई निर्देश दिए। डेंगू के मरीजों की पहचान करने के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सहित बस स्टैंड पर जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों के बीच काम का बंटवारा किया। बिहार के सभी रेलवे प्लेटफार्म का टिकट अब सस्ता हो जाएगा। राज्य सरकार ने इन टिकटों पर राज्य के स्तर से लगने वाले जीएसटी को हटा दिया है। सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय के छात्रों द्वारा स्वचालित प्लेट वितरण प्रणाली के साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का विकास राज्य में द्वितीय स्थान पर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज से भटककर हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया है। वन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर पर्यटकों को अलर्ट जारी किया है। दहशत फैलाने के लिए दिनदहाड़े फायरिंग करने वाले आरोपी को कटिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुहर्रम पर पटना में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ताजिया जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी। मुहर्रम को लेकर गया में सभी थानों में शांति समिति की बैठक की गई। साथ ही एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। और अब अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं।